चुनाव में हिंसा की तो जगह होनी नहीं चाहिए। प्रशासन के लोगों से हमारी बात भी हुई है और जो आज सुबह घटना हुई है, शायद सुनने में आ रहा, दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, दो लोग फरार हैं और प्रशासन के लोगों ने मुझको आश्वस्त किया है कि शाम तक जो बाकी के दो लोग हैं उनको भी पकड़ा जाएगा, पकड़ लिया जाएगा। कुछ लोग हैं ऐसे जो हार के बौखलाहट से इस तरह का काम होता है, लेकिन चुनाव में इस तरह के लिए कोई जगह नहीं है और प्रशासन को लोगों को इस बात को देखना चाहिए। कल रोहिणी जी जिस बूथ पर गई थी वहाँ पर ये जो वीडियो आया है उसमें साफ दिख रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ पर या जो समर्थक थे वो लोग वोट कर रहे थे। अब हम चेचर गए थे तो वहाँ भी लोग वोट कर रहे थे, तो इसका मायने आप समझ सकते हैं। क्या लगता है ये जानबूझ करके ये हिंसा? हम जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो हम भी गए थे तो बीजेपी के समर्थक हूट कर रहे थे उनके बूथ पे। तो क्या घबरा गई है बीजेपी? घबरा गई है क्या? जनता कर रही है इंसाफ, बीजेपी साफ। लगातार प्रधानमंत्री नाइट स्टे कर रहे हैं बिहार में, आखिरकार इसकी क्या वजह? कुछ बताएं क्या बिहार को क्या दिए या क्या देने वाले हैं? एक काम तो बता दें। आपके सवालों का जवाब मिला? काम तो साथ साथ को पूछे कहाँ दिए।